Assalamualaikum viewers, it's another one beautiful day. आज हम लोग निकल रहे हैं स्कर्दू से और जा रहे हैं हुंजा, और इन कुछ दिनों में हमने तकरीबन तमाम नर्दुनिया जितना कवर कर सकते थे किया, और बहुत एक्साइटमेंट भी है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। और कल इंशाल्लाह हम लोग चाइना बॉर्डर भी जाएंगे, और सामान इस वक्त हमारा लोड हो रहा है और बस निकलते हैं। ये जी हमारा सामान लोडिंग के लिए लाया जा रहा है, उसको बस अब ऊपर लोड किया जाएगा और फिर हम लोग आगे निकलेंगे। ये तो प्रोग्राम होता ही अली की वजह से है। ये छुट्टियाँ हमारी स्टार्ट होती हैं और हम लोग कहते हैं अली का फोन आया, क्या प्रोग्राम बन रहा है। हुंजा में तो हमारा आ जाओ। सही बात है। हुंजा जाते हुए हम बस बहुत थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए एक जगह पे रुके थे। काला अंगूर है, मैंने काला अंगूर है किस चीज का है? अब उतरो। यहाँ पर हमारे भाई सैफ ने इस बाग के ऑनर की परमिशन से कुछ काले अंगूर तोड़ के हम सब में थोड़ी 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 डिवाइड किए, सबको एक एक दाना पूरा मिले। चखाओ भाई, सबके लिए बराबर है ना। देखा तीन नहीं आते, दे दे या दो कर दो, ये नहीं तीन फिलहाल, फिर अगली अगली बार भी दुआ करो, तो नहीं पा जानी ओनी देर दुआ करो ना। के खा बेटे, आओ इधर पकड़ो, तुम उनके और मांग रहे तीन पकड़ो, दो अगलियां तीन पकड़ो, साथी के चलो के इसे कहते हैं डिवीजन। फेंको लगीरो लगीरो तीन आंटी के गिन गिन के दे रहे हैं बेचारा। एक दो तीन गिन के अपने लिए भी तीन रख लेना। भाग दे, निकल निकल दियो, चल एक दो तीन जी आपकी के। थैंक यू। ये देखें जी ब्लैक कलर के अंगूर हमारे भाई ने बड़ी मेहनत से तोड़े हैं। बस एक वो हो ना पानी हो, गोल्डन बीच में मजा है। इधर आ जाओ चाय। ये जी यहाँ पे चाय और ममता, आप आ जाओ खाए जा रहे हैं। एक चाय उधर दे दो यार भाई, तो गर्म ही होंगे ना अभी तो बेटा, ये स्टीम पे से उठे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जिस पॉइंट पे जाके रुके वो था राकापोशी व्यू पॉइंट। उसने माइंड कर लिया, उसने कहा मैंने निकाल लिया तो पीछे चली गई। यदि मैंने अपना दीदार नहीं करवाना तुम लोग बड़े ढील हो आज तक मैच हो गए ना, अंदर ही कन्वर्ट हो गया ना। अच्छा देखो सर्दियों में मैं आई हूँ, इतना क्लियर था ये हमेशा, और आज गर्मियों में आई हूँ तो इसने ये चादर ओढ़ ली है बादलों। मिस्टर राकापोशी नहीं दिखा रहा मुंह तो हमने भी नहीं दिखा रहा। राकापोशी व्यू पॉइंट, और ये जहाँ पे ये होटल सा नजर आ रहा है वो जिप लाइन है, वो देखो वो बच्चा गुजर रहा है, नजर आया उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट सीधे हुंजा अपने होटल में जाके ही रुके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रात को हम लोग हुंजा पहुंचे थे और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर देखने के लिए खुंजरा पास, और सब रेडी हो गए। सुबह जल्दी निकलते निकलते भी 8 बज ही गए, सो लेकिन बस देखें इंशाल्लाह वहां जाके एंजॉय करेंगे। ये देखिए जी रास्ते में अताबाद लेक का इंतहाई मिसमराइजिंग कलर, इसका कलर देखें डीप ब्लू, कितना खूबसूरत है। रास्ते में जब टनल्स आती थी तो सब ऊंची आवाज़ में शोर मचाते थे। रास्ते में एक जगह रुक के हमने सूखी खुबानियाँ खरीदी,
क्योंकि चाइना बॉर्डर पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है ऊंचाई की वजह से, और अगर सूखी खुबानी आप अपने मुंह में रख के च्यू करते रहें तो आपकी तबीयत ठीक रहती है। यहाँ के पहाड़ इतने खूबसूरत हैं और सीनरीज इतनी खूबसूरत हैं कि यहाँ से नज़र हटाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। आप सरज जी ख़ुद इन पहाड़ों का व्यू चेक करें, कितना मेस्मराइजिंग है, इतनी खूबसूरत, ऐसे लगता है जैसे बस आप एक जादुई दुनिया में आ गए हैं या कोई ख्वाब देख रहे हैं, इतनी ब्यूटी है। जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चाइना बॉर्डर पे। अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है, यहाँ से अब हम बॉर्डर की तरफ पैदल मूव करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है। अपने साथ सूखी हुई खुबानी रखें, इसे आहिस्ता आहिस्ता च्यू करते रहें तो प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ जी एक्सीडेंटली मेरे बेटे का मोबाइल भी टूट गया और इस वक्त वो शदीद दुखी था। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ज्यादा ठंड थी, ज्यादा बर्फ थी, इस दफा कम है लेकिन कुछ अभी भी जमी रही है, एकदम से ठंडी हवा आती है और शुक्र है अल्लाह के जैकेट्स के बगैर गुजारा हो रहा है। इसका दिल चाह रहा है पहन रहे जिसका दिल नहीं चाह रहा है। पता है ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे आप जितनी मर्तबा भी आएँ आपका दिल नहीं भर सकता, और इस दफ़ा तो हमारे पास टाइम भी बहुत कम था। पीछे बहुत दिनों से हम ट्रैवल करते आ रहे थे लेकिन बस यहाँ जाने का भी शौक़ था दोबारा, तो यहाँ भी चक्कर लगा लिया। अभी बीच में सुस्त पासुकोंस और किसी भी जगह पे हम लोगों ने नहीं रुका। यहाँ पर मरमोट नाम का एक बहुत खूबसूरत जानवर बहुत ज़्यादा नज़र आता है लेकिन अगर आप इसके करीब जाने की कोशिश करें तो ये फौरन गायब हो जाता है और पत्थरों के अंदर छुप जाता है। यहाँ पर जी हमारे ग्रुप की एक मेंबर स्पेशल मरमोट के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए गई लेकिन ये इतना शर्मीला जानवर है कि फौरन पत्थरों में गायब हो गया। जो लंबी से पट्टी आ रही है नीचे, उधर इस दफ़ा लकीली हम लोगों को यहाँ मारखोर भी बहुत बड़ी तादाद में नज़र आए जो एक जगह इकट्ठे बैठे हुए थे, और इसीलिए हम लोगों ने मैंने अपने कैमरे को ज़ूम किया ताकि वीडियो में शायद ये नज़र आ जाए आपको भी, लेकिन हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम इतने ज़्यादा एक साथ देखे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जाते हुए किसी भी जगह पे नहीं रुके थे, बस सीधा चाइना बॉर्डर पहुँचे। अब सबकी ये फरमाइश थी कि एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए पासुकोंस पे रुका जाए और वहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनवा ली जाएं। तो हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके, हमने थोड़ी देर अपनी पिक्चर्स बनवाई और फिर यहाँ से आगे चल पड़े। तो जी यहाँ अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी मोटिवेशन के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।